राजनीति में फर्जीवाड़ा के लिए जानी जाती है, तथ्यों को छिपा रही है। हिंदुओं के पर्व में छुट्टी रद्द कर दी गई और भगवान से भी नहीं डरता है सब। इसके लिए तो पहले जोगी जी फिट केस हैं, जोगी जी बेस्ट केस हैं इसके लिए। जोगी जी एक महीने तक रमजान की अवधि में प्रतिदिन नाथ संप्रदाय के दीक्षित होने के कारण, सन्यासी होने के कारण मोहम्मद बोध पढ़ना अति आवश्यक है, नहीं तो दंड लगेगा गुरु गोरखनाथ का। तो जोगी जी कैसे कर रहे हैं? पहले जोगी जी का नामकरण करो, ओम जोगी, मोहम्मद जोगी। हिम्मत है तो टिकट मिले या नहीं मिले उससे क्या अंतर पड़ता है। तो गंभीरता से लगा रहा हूं, पिछली बार मैंने जब किया था तो 2 घंटे के अंदर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईद पर ट्वीट करना पड़ा, भाड़ा पर लाया गया। कुछ दिन के बाद यह बोलते सुनिएगा कि हमारा जो कार्यक्रम होता है उसमें भारी उपस्थिति होती है। ऐसे भी वो पान बुनकर सम्मेलन किए, अब 85 आदमी था बापू सभागार में, बापू बाप एकदम लया करके हम लोग लजा गए। सरकारी स्कूलों में छुट्टियों के लिए 2024 का नया कैलेंडर जारी हो गया, ऐसे में कई छुट्टियों की कटौती की गई है और अब इसको लेकर भाजपा अब सियासी घमासान मचा रही है और साफ कह रही है कि जो सरकार है वो मुसलमानों से ज़्यादा प्यार करती है और हिंदुओं से विरोध करती है। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के MLC और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उनसे बात करेंगे कि सर जो छुट्टियों में कटौती हुई है उसको आप कैसे देख रहे हैं, भाजपा इस पर हल्ला हंगामा कर। नहीं, भाजपा राजनीति में फर्जीवाड़ा के लिए जानी जाती है, तथ्यों को छिपा रही है। 2 सर्कुलर में एक सर्कुलर तो उसने जारी किया, दूसरे सर्कुलर को छिपा लिया और कहा क्या कि हिंदुओं के पर्व में छुट्टी रद्द कर दी गई और भगवान से भी नहीं डरता है सब। बताइए तो, कह दिया कि जन्माष्टमी का छुट्टी रद्द कर दिया गया तो जन्माष्टमी की छुट्टी भी कायम है, बसंत पंचमी का भी, महाशिवरात्रि का भी, जानकी नवमी का भी, बुद्ध पूर्णिमा का भी और दशहरा दीपावली से लेकर तमाम पर्व का, छठ का। अब सवाल यह उठता है कि 2023 का जो अवकाश तालिका है उसमें रमजान के अंतिम जो नमाज होता है शुक्रवार का, उस दिन उस जुम्मे का नमाज उस दिन छुट्टी रहती थी उसको रद्द कर दिया, सबे बारात की छुट्टी को कम कर दिया और दूसरी छुट्टी को बढ़ा दिया गया, मुहर्रम की छुट्टी को, तो दशहरे की छुट्टी को भी बढ़ा दिया गया। 60 दिन की छुट्टी बिल्कुल बरकरार है, 2023 में भी था, 2024 में भी है। अब सवाल यह उठता है कि रक्षाबंधन जैसे महत्वपूर्ण पर्व अथवा जुम्मे की अंतिम नमाज, क्योंकि लोगों का रहता है कि ईद मनाना हमको है, तो इस पर जरूर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए कि 2023 और 2024 के जो अवकाश तालिका है उसमें कहीं ना कहीं समन्वय और समानता होनी चाहिए। जो कुछ भाजपा के नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश और लालू को अपने नाम के आगे मोहम्मद लगाना चाहिए, तो उसके लिए तो पहले जोगी जी फिट केस हैं, जोगी जी बेस्ट केस हैं इसके लिए। जोगी जी एक महीने तक रमजान की अवधि में प्रतिदिन नाथ संप्रदाय के दीक्षित होने के कारण, सन्यासी होने के कारण मोहम्मद बोध पढ़ना अति आवश्यक है, नहीं तो दंड लगेगा गुरु गोरखनाथ का। तो उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है राम तो रहीम है, अल्लाह तो बिस्मिल्ला है, नाक तो कबर है, ओम तो मोहम्मद है, यह पाठ पढ़ना है और दिन भर निर्जला रहना है। ये तो करते हैं जोगी जी, तो जोगी जी कैसे कर रहे हैं? पहले जोगी जी का नामकरण करो, ओम जोगी, मोहम्मद जोगी। हिम्मत है तो टिकट मिले या नहीं मिले उससे क्या अंतर पड़ता है, नहीं तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हम पर मुकदमा करे। फैक्ट्स के साथ मैं आरोप लगा रहा हूं और आरोप गंभीरता से लगा रहा हूं। पिछली बार मैंने जब किया था तो 2 घंटे के अंदर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ईद पर ट्वीट करना पड़ा, कैसे नहीं करिएगा, नहीं तो गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के आप माने नहीं जाइएगा। और नाथ संप्रदाय इस देश का बड़ा संप्रदाय है, प्राचीन संप्रदाय है, उसका गुरु गोरखनाथ का अपमान जो लोग कर रहे हैं ऐसी भाषा का इस्तेमाल, वो गुरु गोरखनाथ का अपमान कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल है सर कि आपने कुछ दिनों पहले भीम संसद हुआ था दलित के जो विरोधी चेहरे केंद्र के उसको उजागर करने के लिए, लेकिन अब भाजपा कह रही कि उसमें भीड़ काफी थी लेकिन सब पैसे पे आई हुई भीड़। अच्छा, वो तो स्वाभाविक ना, उसके पहले क्या कह रहे थे कि दलित का अपमान हुआ है नहीं लोग आएगा, जब आ गया तो भाड़ा पर लाया गया। कुछ दिन के बाद यह बोलते सुनिएगा कि हमारा जो
कार्यक्रम होता है उसमें भारी उपस्थिति होती है, कैसे भी वो पान बुनकर सम्मेलन किए, अब 85 को आदमी था बापू सभागार में, बाप बाप एकदम लजा करके हम लोग लजा गए कि बताइए जिसका MLA पटना में, सब MP सब पटना में, अब आदमी नित्यानंद राय का जितना सिपाही रहता है ना उतना आदमी नहीं था। तो अब भाजपा जाति गणना के बाद परेशानी में है। भाजपा की परेशानी यह है कि संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने की बात हो रही है, ये मांग हो रही है, तो अब इनका गर्दन गया है फंस। तो भाई जाति गणना का श्रेय आप ले रहे हो, कह रहे हो कि हमारे समय निर्णय हुआ, तो और दूसरी परेशानी भाजपा की एक नई आने वाली है। अब हम दे देंगे 2 लाख रुपया खाता में, तो लोग तो कहेगा ना भाई 2 लाख तो आ गया, अब 15 लाख वाला ये भी नहीं किया, तो देखता है कि बाप रे बाप नीतीश कुमार तो राजनीति का भूत उतार देगा हम लोग का, तो भूतवा उतरने के डर से अनाप शनाप बोलते रहता है। तो ये हमारे साथ जदयू के MLC नीरज कुमार थे, जिन्होंने तौर पर जो सरकारी छुट्टियों को लेकर घमासान मचा है, ऐसे में उन्होंने साफ कहा है कि भाजपा जो है वो फर्जीवाड़े की राजनीति करती है और जो छुट्टियों में कटौती हुई है जो मुख्य पर्व त्यौहार में, उसको लेकर सरकार पुनर्विचार करेगी और उन छुट्टियों को हो सके तो फिर से बहाल भी कर दिया जा सकता है। विशाल भारद्वाज, NBC 24 न्यूज़, पटना।